हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम बात आज कर रहे हैं कि एक्स की पावर जीरो की वैल्यू वन क्यों होती है। अब ये जानते तो सभी हैं कि एक्स की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है ना। अब ये वन क्यों होती है और किस एक्स के लिए होती है, चलिए उसकी बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई कैलकुलेशंस में आपको कोई वन की पावर जीरो कहे तो भी वन होगा, टू की पावर जीरो कहे तो भी क्या होगा, वन ही होगा। आपसे कोई माइनस की पावर कहे, माइनस पे आ जाए तो भी वन होगा। आपसे अगर कोई रेशनल नंबर ले ले परिमेय संख्या तो भी आप देखते हो वन ही होता है। आप कोई इरेशनल नंबर लेके देखें तो इरेशनल नंबर की पावर जीरो भी स्टूडेंट क्या रहती है, वन रहती है। कोई भी इरेशनल नंबर हो सकता है, वन ही पावर, वन ही वैल्यू रहेगी। आप देखते हो कोई इरेशनल कांस्टेंट हो सकता है, जैसे पाई है, पाई की पावर जीरो या ई की पावर जीरो, इन सब की वैल्यू आप देख रहे हैं वन ही है। लेकिन वो तो ठीक है कि वन है, लेकिन वन है क्यों, बात तो यही है थंबनेल में, तो अपनी बात यही है। तो हमको अब देखो, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर मैंने ये बात अपने टीचर से भी पूछी थी, तो इन्होंने ये कह दिया कि एक्स की पावर जीरो इक्वल वन जो है ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ है यानी भाई ये तो है ही है, जैसे 1+1 इक्वल टू होता है ऐसे ही एक्स की पावर जीरो इक्वल वन ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का स्पेसिफिक रीज़न है। तो देखते हैं अपन रीज़न बिहाइंड इट, यानी इसके पीछे रीज़न क्या है, चलिए वो बात करते हैं। ठीक बच्चों, देखो इसका रीज़न छुपा हुआ है बच्चों इंटीजर थ्योरी में। आपने इंटीजर्स में एक रूल पढ़ा होगा कि जैसे ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन हो, तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए की पावर एम माइनस एन। क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, ए की पावर एम माइनस एन। ये रूल तो सभी जानते ही हैं कि अगर बेस इक्वल होता है तो पावर माइनस हो जाती है ना। ये रूल सबको पता है भाई, क्लास एट्थ का रूल है। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें m और n क्या हैं, इंटीजर्स हैं या जो भी है, तो m और n को मैं थोड़ी देर के लिए इक्वल ले लेता हूँ। m और n को बच्चों थोड़ी देर के लिए क्या ले रहा हूँ, इक्वल। अब जैसे ही आप m और n को इसमें इक्वल रखोगे, तो चलिए मैं m की जगह n अगर रख दूँ, तो a की पावर n अपॉन a की पावर n इक्वल a की पावर, यहाँ आपका हो जाएगा n माइनस n। तो आप देख रहे हो ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ आ गया 1 और ए की पावर एन माइनस एन बच्चों क्या हो गई, जीरो। और आपका ये आ गया ए की पावर जीरो इक्वल वन, या ए की पावर जीरो कह दो या एक्स की पावर जीरो, वो एक ही बात है। तो इस तरीके से आपने देखा ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है बच्चों। एक्सेप्शन क्या है, देखिए कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस ये ध्यान रखना एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन बच्चों जीरो को मत ले लेना, आपको जीरो को नहीं ले लेना है। क्लियर, क्यों नहीं ले लेना है जीरो को, देखिए क्योंकि अगर आपने वैल्यू जीरो ली तो यहाँ एक ही जगह जीरो लोगे तो जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो क्या होता है बच्चों, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के होते में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जीरो की पावर जीरो ये वन नहीं होगा, है ना। जीरो के अलावा यानी एक्स की पावर जीरो इक्वल वन, बट एक्स कांट बी जीरो, एक्स जीरो नहीं हो सकता, ये एक्सेप्शनल केस है। बात क्लियर है बच्चों। तो आई होप मैंने आपका आंसर दे दिया है, और ऐसी नई नई ट्रिक्स को जानने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो बाकी बच्चों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।